हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डाई स्पाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला फ़िश। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की जानिब। आज जो हम फ़िश बनाने जा रहे हैं, ये लाहौरी फ़िश के नाम से भी जानी जाती है, लाहौरी मसाला फ़िश। तो ये दो स्टेप में हम बनाएंगे। पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, फिर इसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी मैरिनेशन के लिए क्या क्या अज्जा जाएंगे। सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है, ये है 750 ग्राम बासी बास है, ये फिलेट टाइप है, इसमें बोन नहीं होती। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप रोहू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जो हम इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको बताते जाते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। पाकिस्तान में फ़िश जो है वो उसको नमक में धोया जाता है, तो उस हिसाब से आप नमक को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये जो फ़िश मैं बना रहा हूँ इसमें नमक मौजूद नहीं है, तो मैं उस हिसाब से नमक डाल रहा हूँ। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स जो कि दड़ा मिर्च भी कहलाती है, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे। इसको हम क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा मसल लेंगे। तो चलिए आपको बता दें इसके अलावा इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें हमने 50 ग्राम इमली यूज़ की है, जिसका हमने पल्प निकाल लेना है, जैसा कि आप रस कहते हैं, रस निकाल लेना है। और इसके अलावा हमने इसमें तकरीबन 50 ग्राम बेसन यूज़ किया है और हमने आधा लीमू इस्तेमाल किया है। अगर आप हमारे पास लीमू इधर बड़े होते हैं तो इसलिए हमने आधा यूज़ किया है, आप एक लीमू अगर छोटा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके मसाले मिक्स करके इसकी मैरिनेशन के लिए बैटर तैयार करते हैं। तो जी व्यूअर्स, हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। तो हमारी इमली में हमने इतना पानी डाला था कि हमारी तकरीबन आधी प्याली तक ये इसका पल्प निकला है इमली का। तो अब यह हम इसमें डालेंगे, इसके अलावा इसमें और कोई पानी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें एक जो हमने नींबू दिखाया था आपको, हाफ वो हमने छोड़ देंगे। उसके अलावा हमने इसमें डालना है गरम मसाला, नमक, ये लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, रेड चिली फ्लेक्स दड़ा में और अजवाइन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। यूज़ हमने ये ज़ीरा जो है ये हाथों में क्रश कर लिया है मोटा मोटा, और इसके अलावा इसमें जाएगा बेसन। अब हम इसको मिक्स करेंगे। यूज़ अब हमारा बैटर तैयार हो गया, अब हम इसको फिश पे लगाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, या इसको सही से उसके ऊपर लगा लेंगे सारे फिश के फिलेट्स पे। तो जी व्यूअर्स, अब हमने इसको बैटर लगा दिया है, अब हम इसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, लो टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर। जो आप फिश बाहर से खाते हैं वो इंतहाई ठंडे टेम्परेचर में रखी जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बर्फ़ रखी होती है, सर्दी के मौसम में भी उसके ऊपर बर्फ़ रखी होती है, वो इस वजह से कि ये ठंडी अच्छी फ्राई होती है। तो चलिए मिलते हैं 24 घंटे बाद।
जी व्यूअर्स, हमारी फ़िश को मैरिनेट होते हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें अच्छे से मसाला लग गया है। देखें अगर आपको हम दिखा सकें तो। अभी हम इसको आपको फ्राई करके दिखाते हैं। इस वक्त इसका टेम्परेचर काफ़ी लो है। हमने इसको 140-150 डिग्री के दरमियान हमने जो है इसको फ्राई करना है। चलें अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में तेल शामिल कर लिया है। हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो ध्यान में रहे कि हम इसको ठंडा ठंडा ही फ्राई करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है व्यूअर्स, अब हम इसको ऑयल में डालेंगे और इसके बाद हम जो है इसकी आंच को मीडियम कर देंगे। हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे। आंच को मीडियम रखिएगा व्यूअर्स, नहीं तो ये जल जाएगी। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पका लिया। अब हम इसको पलट देंगे। इसको हमने तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई करना है। तो जी व्यूअर्स, अब हमारी फ़िश पक चुकी है। हम इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारी तमाम रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स उर्दू और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में लिखे आपको मिल जाएंगे। और बनाने का तरीका तो हम आपको वैसे भी वीडियो में बता ही रहे हैं। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना भी मत भूलें, और अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।